किया है, उनका पत्नी हिना साहब काम करेगी, काम कर करके रहेगी, ललकारेगी, ललकार करके रहेगी। आई हम लोग के साथ में, हम लोग इन्हीं को वोट देंगे, इन्हीं को हम लोग जिताएंगे, भारी मतों से वोट देके विजयी बनाएंगे। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। सिवान लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब का जनसंपर्क अभियान लगातार तेज है। इसी क्रम में सिवान शहर के श्रीनगर खुरमाबाद में हिना साहब पहुंची, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। माला पहनाकर महिलाओं ने भी उनका जमकर स्वागत किया। बैंड बाजे के साथ वार्ड पार्षद शहाबुद्दीन के द्वारा खुरमाबाद में उनका स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह हिना साहब का स्वागत स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है कि हिना साहब उनके बीच आई हुई है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहा है कि इस बार हिना साहब की जीत सुनिश्चित है। हिना साहब को जिताना ही उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि जिस तरह से पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने विकास किया है, उस विकास को हिना साहब भी आगे बढ़ा सकती हैं। हिना साहब भी महिलाओं से काफ़ी मिलती नजर आई और काफ़ी खुशी खुशी महिलाओं ने उन्हें गले लगाया, फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कैसा हो हिना साहब जिंदाबाद, हिना साहब जिंदाबाद। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। हिना साहब के स्वागत में और सिपाही हम लोग जीतेंगे फोर वोट से। हिना साहब जीतेंगी, काहे जिताए, क्योंकि विकास हम लोग का कर रहा है। हाँ, विकास के लिए है हम लोग बीच में आए। हमने के हिना साहब के जीतन, हमने के वोट हिना साहब के दे, हमने के सिवान के बहुत कोयले बनी साहब दिन सा, उनका पत्नी के वोट दे कि सिवान के कुछ कर सकी। उद्दीन साहब जिस तरह विकास किए हैं सिवान जिला के लिए, उस तरह हिना मैडम भी विकास करेंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे। ये आपको दिख रहा है वर्मा जी और शहाबुद्दीन बाबू, ये दोनों जो संगम जो मिल गया है ना, तो ये यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। और जो स्वागत हुआ है
इतने जोरदार तरीके से, मैं सिवान की बेटी हूँ और मैं शाहबुद्दीन साहब की पत्नी हूँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं आज जहाँ भी जाती हूँ मुझे दिल से लोग एक्सेप्ट करते हैं। और ये चुनाव तो हमारा एक समीकरण है, जोड़ने का, आने जाने का है। मैं हमेशा से इन लोगों की थी, ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा इन लोगों के बीच में आऊंगी, जाऊंगी, रहूंगी। जी जी, मैंने कहा ना कि मैं धन्य हूँ कि मैं साहब की पत्नी हूँ, सिवान की बेटी हूँ, सभी की बहन हूँ। साहब का जो उन्होंने किया है, जो लोगों में प्यार दुलार बांटा है, वो मेरे साथ सभी सहयोग के रूप में है। मैं उनकी परछाई बनकर वो काम करना चाहती हूँ। लड़ाई किसी से मांगती है मैडम आप? किसी से नहीं, नहीं किसी से नहीं, किसी से नहीं, बिल्कुल। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता मेरे साथ है, जनता ही चुनाव लड़ रही है, जनता से मैं क्या अपील करूंगी? मैं आश्वासन देना चाहती हूँ जनता को कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके सेवा में, आपके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रखूंगी।